देखें आप, अभी तक के हमने क्लास में क्या क्या कर लिया। हमने परचेज बुक और सिंपल वाला भी और डिटेल वाला दोनों कर लिया हमने परचेज बुक। और सेल्स बुक बिल्कुल सेम होता है, अभी मैं सेल्स बुक भी करके दिखाऊंगा। अब जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, मैंने पहले ही बताया कि ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 8 मार्क्स का। अब 8 मार्क्स का किस तरीके से, आपका बिल बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट जो चैप्टर है BRS, उसके अंदर ऑप्शन में रहता है। पिछले 3 सालों का ट्रेंड बता रहा हूं मैं, उससे पहले कभी ये चैप्टर आया ही नहीं करता था, लेकिन पिछले 3 साल से ये थोड़ा ट्रेंडिंग में एग्जामिनर दे रहा है BRS के चॉइस में। जैसे कि BRS के किस में दे रहा है, ये चॉइस में। अब मैं बात आगे करूं, एग्जाम में कैसा चॉइस में क्वेश्चन आता है? एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि सिर्फ परचेज बुक बनाओ। एग्जाम में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि सेल्स बुक बनाओ। एग्जाम में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है कि परचेज रिटर्न बुक बनाओ या सेल्स रिटर्न बुक। वो पर्टिकुलर एक पूरा क्वेश्चन दे देगा, उसमें आपको 2 तरीके का, 3 तरीके का या 4 तरीके के आपको उसके अंदर ट्रांजेक्शन गिवन हो सकते हैं। उसमें से आपको निकालना है, परचेज वाले आइटम को निकाल के हमें एक परचेज बुक बना के दिखाना है, सेल्स वाले आइटम को निकाल के एक सेल्स बुक बना के दिखाना है, परचेज रिटर्न वाले बुक को निकाल के परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वाले को सेल्स रिटर्न। यानी एक ही क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे 4 बुक बनवा सकता है। 8 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से ड्रॉ होता है। और जरूरी नहीं है 4 बुक बनवाए, 2 बुक बनवा सकता है, सेल्स बुक और परचेज रिटर्न बुक, कोई भी वो अपने हिसाब से कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके बुक का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इसमें मैं देखता हूं इसमें क्या कहता है। कहता है प्रिपेयर परचेज एंड सेल्स बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो परचेज एंड सेल्स बुक, अभी तक के क्वेश्चन किए हमने, परचेज बुक का अलग क्वेश्चन होता है, सेल्स बुक का अलग क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ सारे सेल्स 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 के ट्रांजेक्शन है, और परचेज बुक में सारे परचेज 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 के ट्रांजेक्शन है। अब ऐसा नहीं है, क्वेश्चन एक ही है, लेकिन इसी क्वेश्चन की मदद से हमें परचेज बुक भी बनाना है और सेल्स बुक भी बनाना है। तो मैंने एक पहले से ही एक सिंपल सा फॉर्मेट तैयार कर लिया, इस फॉर्मेट को एक बार एक्सप्लेन कर दूं। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर IN मतलब इनवॉइस नंबर, LF जो कि यूज नहीं होना इस क्वेश्चन में लेकिन फिर भी मैंने प्रिपेयर कर दिया, डिटेल कॉस्ट, इसके बाद का कॉलम डिपेंड करेगा कि क्या क्या ट्रांजेक्शन है। यहां तक का कॉलम तो हर क्वेश्चन में बनाना ही बनाना है। इसके बाद का IGST है तो IGST का कॉलम, CGST है तो CGST का कॉलम, फ्रेट है तो फ्रेट का कॉलम। मैंने 2-3 कॉलम पहले ही एक्स्ट्रा बना लिया, जो जो आएगा मैं पुट कर दूंगा। सेम ऐसे सेल्स बुक का है, देखो डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल कॉस्ट, कॉस्ट तक बना के छोड़ दिया। क्यों? इसके बाद का कॉलम तो हमें क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पता चलेगा, उससे पहले पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन करने का तरीका क्या था, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है नहीं करना, जितने भी एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है नहीं करना, सिर्फ किस ट्रांजेक्शन को करना है, गुड्स को, और वो भी किस पे होना चाहिए, क्रेडिट पे। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है बॉट फ्रॉम MS उमा दत्त मुंबई। आप देखो ये बेंगलुरु का है, बेंगलोर में रहता है और उमा दत्त कहाँ पे है, मुंबई में, तो दोनों अलग अलग स्टेट है तो IGST लगेगा। तो यहाँ परचेज है तो अभी नोटिंग मत करना, पहले क्वेश्चन को समझ लो, प्रॉपर नोटिंग का टाइम दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपका परचेज बुक है तो डेट है हमारे पास 1 तारीख, 1-1 परचेज बुक MS उमा दत्त, और जो उमा दत्त है इससे मैंने क्या क्या परचेज किया है यहां पे क्वेश्चन में देखते हैं। कहता है 100,000 रजिस्टर 80 ईच, तो इसने क्या करा है, 1,000 रजिस्टर, यहां डिटेल लिखना है, रजिस्टर एट 80 रुपीज ईच, तो डिटेल वाले कॉलम में आ जाएगा 80,000। कितने का सामान खरीद लिया इसने, 80,000 रुपए का। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, और क्या खरीदा इससे, और 50 रिम्स पेपर 250 रुपए का पर पेपर था हमारा, तो 50 रिम पेपर खरीदे इसने, 50 एट 250, टोटल हो गया 12,000। आगे देखते हैं कंटिन्यू में, आगे क्या कहता है, इसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट भी है
और आईजीएसटी 5% है। तो ट्रेड डिस्काउंट और आईजीएसटी 5% की मैं बात करूं तो सिंपल ट्रेड डिस्काउंट पहले लगेगा या आईजीएसटी का कैलकुलेशन पहले करें? पहले ट्रेड डिस्काउंट का होगा और ट्रेड डिस्काउंट क्वेश्चन में हमारा 25%, तो अगेन हम इसको टोटल करेंगे और टोटल 80,000 12,500 92,500 इस टोटल में से लेस कर देंगे पहले, लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, और यहां परसेंटेज भी मेंशन कर देता हूं 25%, इस के ऊपर 25% निकालेंगे जो कि आएगा हमारा 2312 और 5, 23,125 रुपए। पहले इसे माइनस करेंगे, माइनस के लिए एग्जाम में ध्यान रखना सिंबल ब्रैकेट का लगा देना आप। तो ये आ गया मेरा 69375375। अब क्योंकि दिल्ली से बाहर है, एग्जामिनर ने आपके लिए बहुत आसान क्वेश्चन कर दिया, बता दिया आईजीएसटी लगाओ, लेकिन सही क्वेश्चन तब होता वो बताता ही नहीं कि कौन सा है, वो आप खुद जज करो। तो आईजीएसटी लगाने को बोला इसने और आईजीएसटी यहां पे लिखेंगे, प्लस करेंगे हम, प्लस परचेज है तो इनपुट, इनपुट आईजीएसटी 5%। अब मैं इस पे अगर 5% निकालूं तो पॉइंट में आ गया 3468 point something। मैं पॉइंट को इग्नोर कर रहा हूं और पॉइंट को इग्नोर करने के बाद मैंने यहां पे लिखा प्लस 693, ये टोटल आ गया 72843। हमारे आंसर में हो सकता है जो आपके बुक में आंसर मेंशन है एक या दो रुपए का फर्क आ जाए, वो रीजन फ्रिक्शन को मैं इग्नोर करके चल रहा हूं। अगर मेरे पास पॉइंट 9 भी है तो 9 मैं नहीं मान रहा, उसको क्या कर रहा हूं मैं यहां पे इग्नोर कर रहा हूं। अगर मानना चाहते हो तो आप मान सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने इग्नोर कर दिया तो आप भी इग्नोर करना है। मुझे आसान लगता है कैलकुलेशन में, एक मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है कि पॉइंट के बाद इग्नोर करूंगा, लेकिन कई बार मन करता है इग्नोर नहीं करते, उसको राउंड फिगर में आगे की साइड ले लेते हैं, तो मैं ले लेता हूं उसको, वो आपके ऊपर जजमेंट की बात है। अब इसका टोटल का कैलकुलेशन, एक तो जाएगा कॉस्ट, कॉस्ट वाले कॉलम में ट्रेड डिस्काउंट के बाद 69375। अब जीएसटी लगा हमारा इनपुट आईजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी 3468। कुछ स्टूडेंट कैलकुलेट करें तो बोले सर 69 लिख दे, लिख सकते हो पॉइंट राउंड फिगर करने के बाद, फर्स्ट एंट्री कर चुके हैं। सेकंड सोल्ड, तो अब सेल्स बुक में जाना पड़ेगा, कहता है श्री दयाल और श्री दयाल को सोल्ड किया है, डेट क्या है सोल्ड करने का, 2 तारीख, यानी देखो पहले ही बुक्स मैंने बना रखा था, इसलिए दयाल। अब इसको क्या क्या बेचा है क्वेश्चन में देखते हैं, इसको 250 रजिस्टर बेच दिए, 250 रजिस्टर, और आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। रजिस्टर, और मैं जब एट लगाता हूं तो एट का मतलब ईच है, यहां पे एक का कीमत है, यहां पे बेचा जो है वो 85 रुपए में बेच दिया इसने, 85 में, तो 250 × 85 21,250। आगे देखते हैं और कुछ उसको बेचा, हाँ 5 रिम्स पेपर बेच दिए 300 के, 5 रिम, रिम क्या होता है पेपर का बंडल, और बेचा इसने 300 का, और ये आ गया 1500। इसके बाद और आगे देखते हैं क्वेश्चन में, इसके ऊपर लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, सॉरी इसके ऊपर चार्ज करता है सीजीएसटी भी और एसजीएसटी, और यहां पे ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया, तो सिंपल हमें क्या करना है, पहले इसको टोटल करना है, और टोटल करके आ गया 22,750। और अगर ट्रेड डिस्काउंट होता तो पहले मैं क्या करता, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करता, है ही नहीं तो मैं सीधा प्लस करूंगा, आउटपुट, आउटपुट सीजीएसटी 2.5% और प्लस आउटपुट एसजीएसटी 2.5%।
अब इसका 2.5 निकालो, फिर से पॉइंट में आ गया, तो मैं 568 ले रहा हूं। कुछ बच्चे 69 भी ले सकते हैं, मैंने 68 लिया है। 568 ये आ गया मेरा टोटल, 23886। अब इसकी कैलकुलेशन, कॉस्ट, कॉस्ट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट तो है ही नहीं, तो कॉस्ट आएगा 22,750। अब सीजीएसटी एसजीएसटी है, तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट